यहां से की होती तो आपको लगता है कि वो यहाँ से करके और उसके बाद इसमें वह पूर्णतः पूरी तरीके से विफल है और इसके लिए हमेशा अपने आप को आजीवन कोसेंगे ग्रुप है उसमें अगर कोई बिहार के बच्चे है तो कोई थर्ड पर्सन उसको यही जज करेगा की अच्छा बिहार से है हो सकता है होगा नहीं भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इतना क्वेश्चन मार्क फिफ्टी फिफ्टी पे क्वेश्चन मार्क हाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा देखिए भैया कैसा लग रहा है बिहार की बेटी दो दो बेटियों ने फर्स्ट और सेकंड रैंक ला करके अपना एक बिहार में परचम तो उसमें बिहार के यूनिवर्सिटी का क्या योगदान है योग की शिक्षा व्यवस्था का क्या योगदान योग यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो भी है शिक्षा मंत्री को मतलब वोट बैंक की राजनीति करनी है शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री बात करते हैं रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पर आरोप जो प्रोफेसर की सीट्स हैं वो विश्वविद्यालय में खाली है आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है वो टाइम पे सेशन कंप्लीट हो ग्रेजुएशन छह साल में होता है मास्टर्स दो साल का चार साल हो जाता है तो बच्चे अगर यहीं पे फंसे रह जाएंगे तो अलग से तैयारी करने का वक्त कहा मिलेगा वर्तमान तो प्रदेश में देखिएगा बिहार को बिहार में आज छह साल में डिग्रिया मिलती हैं और कोई व्यक्ति अगर छह साल में डिग्री लेगा तो वो यूपीएससी तो छोड़िए वो एक ग्रुप डी का नौकरी भी नहीं ले पाएगा क्या लगता है यूपीएससी था इसलिए बच गए अगर वही बी एस बिहार एस एस सी या बी पी एस सी होता तो क्या हो तो बी पी एस सी हो जाती थी लेकिन बी पी एस सी के चेयरमैन जो ईमानदार छवि के निकले उनके बदौलत इनका झंडा अभी तक थोड़ा सा बुलंद है लेकिन ये देखा जाए ओवरऑल देखा जाए ये टोटली totally इनका डाउनफॉल है एजुकेशनल फील्ड का डाउनफॉल है एजुकेशनल सिस्टम का डाउनफॉल है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डाउनफॉल है यूनिवर्सिटी का सिस्टम लगातार सुर्खियों में रहता है मतलब कुछ भी होता है ना तो अगर एजुकेशन की बात की जाती है तो हैश बिहार लिखा जाता है याश टैग मगध यूनिवर्सिटी एकदम ट्रेंडिंग में चला था एक बीच में तो के... सिर्फ जन्म लेने से आप बिहार के नहीं हो जाते हैं पेरेंटल रेसिडेंशियल होने के कारण आप बिहारी तो कहलाएंगे लेकिन आप इतना बताइए कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई उनके ग्रेजुएशन कहाँ से हुए और यूपीएससी की जो उन्होंने तैयारी की वो कहां से की नमस्कार मेरा नाम अंकित आप पब्लिक प्रोल पॉइंट न्यूज 24 देख रहे हैं यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसके बाद से टिप्पणियाँ शुरू हो गई है यूपीएससी के रिजल्ट के आते ही आते कुछ क्षण बाद नीतीश कुमार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है पटना से संबंध रखने वाली सुश्री इसीता किशोर ने प्रथम स्थान एवं बक्सर की सुश्री गरिमा लोहिया ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है देश की बेटियों की यह सफलता आधी आबादी को प्रेरणा देगी और आधी आबादी को प्रेरणा तो देगी लेकिन नीतीश कुमार जी क्या प्रेरणा देंगे नीतीश कुमार जी यह प्रेरणा देंगे कि बिहार में यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो अगर बिहार यूनिवर्सिटी में या फिर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मत करना नहीं तो ये सीता किशोर बनो या फिर जो भी बनो बिहार के बाहर जाकर के पढ़ाई करो ऐसा ही ट्वीट तेजस्वी यादव जी ने भी किया है हमारे साथ कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं इनसे हम लोग बातचीत करते हैं सर पहला सवाल आपसे होगा कैसा लग रहा है हमारे बिहार की बेटियों ने परचम लहराया यूपीएससी में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त सबसे पहले उनको बधाई ताकि उन्होंने देश का सर्वोच्च जो एग्जामिनेशन होता है उसको अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया लेकिन जो ये ट्वीट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है इनको पहले ये सोचना चाहिए डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं दिल्ली बेस्ड जैसे बाजीराम रवि हुआ दृष्टि हुआ वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जो टॉपर्स हैं मेरे यहाँ के हैं तो ऑब्वियसली बात है ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दिल्ली में सिचुएटेड है तो फर्स्ट मार्क क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर उठता है वाई दे आर प्रटेंडिंग टू पब्लिश द फॉल्स रिमार्क एंड अ स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट कंडीशन यही चीज़ इनको गौरतलब मालूम होना चाहिए कि बिहार की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे जो करिकुलम है और कैलेंडर है वो टोटली अपडेटेड नहीं है पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऑलमोस्ट फोर ईयर्स फाइव ईयर्स का प्लान चलता है सर एक सवाल होगा अगर मान लीजिए वही लड़कियाँ जो यू टॉप की हैं अगर वो मगध यूनिवर्सिटी से होती तब क्या करती ये सिचुएशन वो पहले भी झेल चुकी हैं बी पी एस सी का पिछले साल जो रिजल्ट आया रिजल्ट आया तो बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू में अपियर हुए अपियर हुए और उनके पास मार्क्सिट अवेलेबल नहीं था तो ऑटोमेटिकली उनका जो जो कैरियर था जो फ्यूचर था वो डार्क में चला गया और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट नहीं हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी है यहाँ के गवर्नर हैं और ऑटोमेटिकली ओवरहेड जो है यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री है दे आर टू बी क्लेम फॉर डेट अच्छा सर एक सवाल और करूंगा नीतीश कुमार जी ने ट्वीट जब किया है तो उन्होंने यह कहा है कि इन बच्चियों से सीखना चाहिए हमारे आबादी को मतलब बिहार के जो लोग हैं जो उनको उनसे प्रेरित होना चाहिए मतलब प्रेरणा उनसे लेना चाहिए तो नीतीश कुमार जी से क्या प्रेरणा लेना चाहिए कि बिहार में कोई नहीं पढ़े नीतीश कुमार को पहले ये पहले गंभीर रूप से इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिटी के बारे में ये नहीं हो सकता है कि आप फ्री एडुकेशन प्रोवाइड करें फ्री एडुकेशन के साथ आप जो बेस्ट जो फैकल्टीज मेंबर होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज़ को प्रोवाइड किया जाए वहाँ पर इनका चेन क्रिएट किया जाए ताकि फ्यूचर में पार्टिकुलरली जो रिजल्ट हो वह बिहार से हो ना कि बिहार के नाम पे अदर इंस्टीट्यूट अपना पब्लिशमेंट करे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री इस पब्लिशमेंट को अपना मुद्दा बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे साथ एक महिला है, इनसे भी हम बिहार के नहीं हो जाते हैं पेरेंटल रेसिडेंशियल होने के कारण आप बिहारी तो कहलाएंगे लेकिन आप इतना बताइए की उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई उनके ग्रेजुएशन कहाँ से हुए और यूपीएससी की जो उन्होंने तैयारी की वो कहाँ से की मेन मैटर तो वो कहता ना आउट ऑफ बिहार से हाँ आउट ऑफ बिहार से किया तो जहाँ पे यूनिवर्सिटी में छह साल में पटना विश्वविद्यालय को छोड़ करके अगर आप देखें तो छ साल में ग्रेजुएशन होते हैं पहले पटना यूनिवर्सिटी भी टॉप में आता था यूपीएससी के स्टूडेंट को यहाँ से निकलते थे बहुत ज्यादा इसका भी रेटिंग बहुत डाउन हो गया ये समय ये बात उस समय की है जब लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी यहाँ पढ़ा करते थे लेकिन सबसे ज़्यादा गिराने का अगर किसी का योगदान है तो इन्हीं दोनों का है क्योंकि इन्होंने तो स्कॉलरशिप दे दिया ग्रेजुएशन क्लियर करो पचास हज़ार पाओ इंटर क्लियर करो पच्चीस हज़ार पाओ लेकिन क्या उन्होंने ये दिया कि यहाँ हाँ मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज कर रहा हूँ अब ग्रेजुएशन कीजिए उसके बाद अपने मतलब टैलेंट के अनुसार नौकरी लीजिए उन्होंने कहीं नहीं कहा सेवेंटी फाइव परसेंट जो प्रोफेसर की सीट्स हैं वो विश्वविद्यालय में खाली है आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है वो टाइम पे सेशन कम्पलीट हो पटना यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग छोड़ दें और बात करें बाकी अदर यूनिवर्सिटीज की तो क्या लगता है जो छात्र एवं छात्राएं तैयारियाँ करती है यू पी के तो क्या लगता है वो यू पी करेंगे या अपना डिग्रियाँ लेने के लिए लड़ाइये लड़ते रह जाएंगे मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि अगर इशिता यहाँ से की होती तो आपको लगता है कि वो यहाँ से करके और उसके बाद यूपीएससी क्लियर कर पाती छह साल में तो पटना यूनिवर्सिटी की भी हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है की बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं यहाँ पे भी ग्रेस मार्क्स ही दिए जाते हैं तो जब वो सब कुछ पूरा करती नहीं अगर आप इंटरव्यू का देखिएगा तो इंटरव्यू में सब कुछ देखा जाता है टेंथ के मार्क्शीट ट्वेल्थ के मार्क्सिट ग्रेजुएशन के मार्क्स से आपके इंटरव्यू बेसिस पे आपने यूपीएससी में क्या क्वालिफाई किया तब तो हमको लगता है कि मान ली जब बहुत ज्यादा लड़ झगड़ करके वो ऊपर आती भी तो टॉप वन में तो कभी नहीं रहते यहाँ रह करके टॉप हाँ. वन में तो रहते नहीं और इतना जल्दी भी नहीं हो। नहीं होते अच्छा आपको क्या लगता है जो आ, हमारे बिहार का जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको जो लेकर जिसको लेकर के लगातार हमारे नीतीश कुमार जी हमारे बिहार का सरकारी सिस्टम या यूनिवर्सिटी का सिस्टम लगातार सुर्खियों में रहता है मतलब कुछ भी होता है ना तो अगर एजुकेशन की बात की जाती है तो हैश बिहार लिखा जाता है या हैश मगध यूनिवर्सिटी एकदम तो ट्रेंडिंग में चला था एक बीच में तो कैसा लगे लगता है कि जब हमारे एजुकेशन सिस्टम पर इतना सवाल उठता है और उसके बावजूद बिहार की बेटी क्वालिफाई करती है तो नीतीश कुमार जी कहीं से ट्वीट भी कर दे हैं ये एक प्रोपागेंडा ही हुआ एक तरफ से जैसे यूनिवर्सिटी में जैसे ये बोली कि ग्रेजुएशन छः साल में होता है मास्टर्स चार दो साल का चार साल हो जाता है तो बच्चे अगर यहीं पे फंसे रह जाएंगे तो अलग से तैयारी करने का वक्त कहाँ मिलेगा जैसे यहाँ ही देख लीजिए जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सपोर्ट नहीं मिलता है डिस्क्रिमिनेशन होता है पार्शलिटी होता है तो देखा जाए तो सही है अब जैसे मान लीजिए दस बच्चे हैं उसमें से अगर मान लीजिए एक दो बिहार के हैं और उन्हीं में से अगर कोई टॉप पे आ जाए तो क्योंकि वो बिहार से है बिहार को एक पिछड़ा हुआ देखा जाता है तो अगर बिहार से है तो बताया जाता है कि हाँ बिहार से यूपीए बिहार का नाम रोशन तो होता है बिहार का नाम हाईलाइट तो होता है लेकिन ये भी हो जाता है बिहार में नहीं पढ़े बिहार तो के बाहर आके पढ़े क्योंकि बिहार को एक तरीके से देखा जाता है पिछड़ा हुआ है तो एक माइंड बन जाता है की हाँ बिहार के बच्चे हो सकता है की हाँ होंगे कोई एक दो एक दो बच्चे होंगे जो मेरिटोरियस है बाकी जैसे कोई भी एक ग्रुप है उसमें अगर कोई बिहार के बच्चे है तो कोई थर्ड पर्सन उसको यही जज करेगा कि अच्छा बिहार से है हो सकता है होगा नहीं भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इतना क्वेश्चन मार्क फिफ्टी पे क्वेश्चन मार्क हाँ क्वेश्चन मार्क लग, लग जाएगा, जाएगा। देखिए यहाँ पे और भी कुछ युवाएं है अच्छा भैया कैसा लग रहा है बिहार की बेटी दो दो बेटियों ने फर्स्ट और सेकंड रैंक ला करके अपना एक बिहार में परचम ला रहा था तो उसमें बिहार के यूनिवर्सिटी का क्या योगदान है उसका शिक्षा व्यवस्था का क्या योगदान है 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 योगदान है, योगदान है। इतना ना दिया है। दिया इतना ना ना दिया गया बर्बाद कर दिया गया तब नहीं ऐसा तो नहीं हुआ रहा था। लग रहा है। बिहार का नाम रोशन हुआ अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ का शिक्षा व्यवस्था का क्या योगदान है उसमें सरकार बताएगी हम क्या बताए सरकार तो बस सिर्फ बधाई देने का काम करती है वही बिहार का हाँ कि बिहार की बेटी है टॉप की है उसमें यहाँ आपका क्या योगदान है अगर अगर जन्म ले लेने से सिर्फ नहीं हो जाता कि जन्म ले ली तो यहाँ तो तो पढ़ी थोड़ी ना है वो बिहार में जन्म ले लेने से नहीं होता कि बिहार के बिहार का नाम रोशन हो लेकिन हाँ ये भी तो बात है मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ली बाहर जाके पढ़ ली इस बात की बधाई होगी हाँ मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती तो उसका पहले ग्रेजुएशन ही नहीं कम्प्लीट होता एलिजिबल ही नहीं रहती यूपीएससी रहतीस में छह महीना आंदोलन ही करना रहता हाँ उसके बाद मरमरा के डिग्री मिलता तो फिर तैयारी करने चाहती तो क्या पता होता या नहीं होता और उसके बाद आपको भैया क्या लगता है कैसा लग रहा है चश्मा उशमा लगा के एकदम खड़े हैं लगना क्या चाहिए आप देख सकते हैं कि बिहार बिहार यूनिवर्सिटी मतलब जो भी रहे बिहार के जो भी विश्व तमाम विश्वविद्यालय के मतलब कह रहे ये तो कुछ पटना यूनिवर्सिटी का मतलब कुछ है सुधार लेकिन तमाम विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन में आप देख सकते हैं कि मतलब छः वर्ष सात वर्ष ग्रेजुएशन में लग जाती है तो आप बता सकते हैं क्या ऐसा थोड़ा ना आता है मगध यूनिवर्सिटी का कोई लड़का क्वालिफाई किया यू या फिर छपरा यूनिवर्सिटी का या फिर अथी हाँ पटना यूनिवर्सिटी का गिने चुने आते हैं ये नहीं कह रहे कि आते हैं इस बार भी आए हैं पटना साइंस कॉलेज के एक विद्यार्थी हैं वो किए हैं लेकिन रैंक अच्छा नहीं रहा है एक समय हुआ करता था पटना यूनिवर्सिटी पे भी अब सवाल खड़ा हो जाता है एक समय था पटना यूनिवर्सिटी का टॉप में आता था यूपीएससी पी एस स्टूडेंट्स यहाँ के यानी यूपीएससी में क्वालिफाइड लोग बहुत ज़्यादा आते थे पटना यूनिवर्सिटी हाँ। है अब इसका रैंक तकरीबन चार पॉइंट नौ परसेंट अप्रोक्स ऐसा डाउन होकर के आ गया इसमें जो भी बिल्कुल है बिहार का शिक्षा व्यवस्था का उस समय जो आते थे तो यहाँ पे बेस्ट बेस्ट टीचर होते थे जो खुद यहाँ के लड़कन को मतलब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी मतलब जो भी रहता थे जो भी सब्जेक्ट के रहता था तो वो अपने खुद में अपना लोग लो, ग्रुप या टीम बनाए हुए थे मतलब जो भी पहले के टीचर थे वो लोग क्वालिफाई अपना तैयारी करवाते थे और इस तरह से क्वालिफाई होते थे तो यहाँ तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ये जो भी शिक्षा मंत्री को मतलब वोट बैंक की राजनीति करनी है शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री बात करते रामचरित मानस पर शिक्षा मंत्री बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पर शिक्षा मंत्री पर बात करते हैं अभी तक यूनिवर्सिटी की बात की जब बारी आएगी तो यही बात करेंगे वो यूनिवर्सिटी पे बात क्यों करेगा उनको तो यूनिवर्सिटी पे बात करने नहीं है या फिर अगर करेंगे भी तो मतलब वो देखे कैसा कितना परसेंट वाले मतलब हमारा जाति कितना परसेंट विश्वविद्यालय में है ताकि हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े ये चीज करने से जब तक ये चीज़ व्यवस्था मतलब मुक्त नहीं होगी तब तक शिक्षा व्यवस्था सुधार में क्या कहते भैया बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे कहना क्या है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर चुके हैं इसे खत्म कर बिहार की बेटी टॉप कर रही है यूपीएससी बिहार की बेटी टॉप कर रही है बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है कि बिहार का पिछले साल भी शुभम कुमार ने टॉप किया था उससे पहले भी कई लोग टॉप किए हैं और पटना विश्वविद्यालय से अस्सी के दशक में लोग चालीस चालीस बैच का लोग आई एस बना करते थे लेकिन वर्तमान प्रदेश में जब देखिएगा बिहार को बिहार में आज छः साल में डिग्रियाँ मिलती है अगर कोई व्यक्ति अगर छः साल में डिग्री लेगा तो यूपीएससी तो छोड़िए वो एक ग्रुप डी का नौकरी भी नहीं ले पाएगा अच्छा भैया आपसे एक लाख में आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा क्या लगता है यू था इसीलिए बच गए अगर वही बी बिहार एस या बी होता तो क्या हो ये चीज़ तो पिछले बार के एग्जाम के समय ही पता लगा कि बिहार एस एस का क्वेश्चन लीक कर दिया जाता था पहले तो बी की भी हो जाती थी लेकिन बी के चेयरमैन जो ईमानदार छवि के निकले उनके बदौलत इनका झंडा अभी तक थोड़ा सा बुलंद है लेकिन ये देखा जाए ओवरऑल देखा जाए ये टोटली totally इनका डाउनफॉल है एजुकेशनल फील्ड का डाउनफॉल है एजुकेशनल सिस्टम का डाउनफॉल है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डाउनफॉल है और ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर को भी डार्क में ले जाने का काम कर रहे हैं चलिए हम शिक्षा व्यवस्था पे भी अब बात नहीं करते हैं ना हम बात करेंगे कि वो लड़की कहाँ पर पढ़ी है यानी जो अभी यू पी की जो टॉपर टौ, हुए हैं वो कहाँ से पढ़े इसके बारे में बात नहीं करेंगे बात यही होगी कि अगर बिहार से कोई भी एग्ज़ाम निकला होता या बिहार एस का अगर वो एग्ज़ाम दे रही होती तो भी किस चीज़ का शिकार हुई वो शिकार होती उनके द्वारा जो धनराशि बांटा जाता है अलग अलग तरीके से अलग अलग मीडिया बिंदु के थ्रू बुलाकर उसका फोटो खिंचवाया जाता फोटो खिंचवा के उसको नेशनल न्यूज़ के रूप में प्रेजेंट किया जाता जो कि ये हमेशा से यही काम करते आए हुए हैं कि रिजर्वेशन 50 परसेंट थर्टी परसेंट आप बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की शक्ति देने का मतलब ये अर्थ नहीं होता है कि आप आर्थिक रूप से उसमें मदद करें शिक्षा ही एक ऐसा स्वरूप होता है जो सशक्तिकरण का काम कर सकता है इसमें वह पूर्णतः पूरी तरीके से विफल है और इसके लिए हमेशा अपने आप को आजीवन कोसेंगे भले ही अभी मुख्यमंत्री है लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की हाल वही हुई थी तो मानव जीवन में जब उतरेंगे तो अपने आप को जब वो एक आईने के रूप में देखेंगे तो उनको अपने द्वारा किए गए कृत्यों पर जरूर ही अभिशाप जैसा महसूस होगा बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आपको हम बता रहे थे यहाँ पर कुछ छात्र छात्रों से ही बात कर रहे थे क्योंकि छात्र का मामला है छात्र छात्रा ने परचम लहराया है और हम लोग छात्र पहुँच गए पटना यूनिवर्सिटी में और सोचे छात्रों से ही बात कर लें छात्राएँ से भी बात कर लें और जाने कि हमारे बिहार की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं हमारे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए और आप लोगों को भी इसके बारे में बता दें यहाँ पर कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मगध यूनिवर्सिटी जहाँ पर एक और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कवरेज दिया था वहाँ पर बहुत सारा आपको न्यूज़ वहाँ का भी लाइव रिपोर्टिंग दिखाया था वहाँ पर भी हुआ था छः साल छः छः साल तक लोग आंदोलन करते उसके बावजूद उनको वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है मतलब वहाँ से वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं हालाँकि हालांकि आज जो भी नई अपडेट्स आई हम आपको अभी देते रहेंगे इस वीडियो के बाद आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हाँ लेकिन ये बात यहाँ पर मैं ये पहले कह देना चाहूँ ना हम किसी नेताओं का विरोध कर रहे हैं ना हम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं ना तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं उनकी जो पॉलिसी है जो वो पॉलिसी को लेकर के जो मैंटेलिटी को लेकर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर हमारा मेन फोकस था हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कैसे सुधार आ जाए इसीलिए हम लोग यहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करने के लिए आ गए आप देख रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और सी सी न्यूज ट्वेंटी मेरा नाम है अंकित भारद्वाज अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना बोले बहुत बहुत धन्यवाद